हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बस राइडर। तो आज का इस वीडियो कोई राइडिंग कोई व्लॉगिंग से नहीं शुरू होगा। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन है। हमारा जो यूट्यूब चैनल था वो कुछ ही दिन पहले क्रिएट किया था, और उसके बाद हमने सोचा कि जिस दिन यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे उसके बाद ही हमारा एक्शन कैमरा आएगा और हम लोग जाएंगे, व्लॉग करेंगे, आप सबको दिखाएंगे। तो हमने जब दिया था ऑर्डर तो उसके पाँच छः दिन बाद ही हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया। तो अचानक हमने ऑर्डर दे दिया तो अचानक मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि फ्लिपकार्ट ने जो हमारा पार्सल जो एक्शन कैमरा है वो बेच दिया। तो ये तो बहुत अच्छा बात है, बेच दिया, ये तो सभी के मोबाइल पे आते हैं। तो हमने सोचा कि बेच दिया तो कल परसों में मिल जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। सब कुछ रेडी था हमारा, जो हेलमेट में जो एक्शन कैमरा लगाने वाला का जो पार्ट है सब कुछ रेडी था। हमारा जो स्कूटी है वो पूरा फुलफिल रेडी करके रखा था। तो अचानक हमने तो सोचा कि ये नोटिस आया कि पार्सल मिल जाएगा, तो हमने इतना ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं किया उसको। अचानक मेरा जो साथी है, तो आपने देखा होगा वो हमारा लोगों पर है, दूसरा एक साथी मेरा, तो उसने अचानक मुझे कॉल करके कहा कि भाई देख SMS आया कि अभी तो एक्शन कैमरा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि अरे भाई क्या बोल रहे तू, एक्शन कैमरा अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो मैंने वहाँ पर गुस्सा घुस के देखा था कि लॉकडाउन के लिए अभी एक्शन कैमरा नहीं मिलेगा, तो उसको देख के बहुत हर्ट हुआ। मैंने सोचा कि क्या प्लान किया था और क्या हुआ। तो मैंने उसके बाद तुरंत ही फ्लिपकार्ट पूरिया कस्टमर केयर पर कॉल किया। तो वहाँ पर कॉल करने के बाद उसने बताया कि अभी जो आपका पार्सल है वो अभी गुवाहाटी पर रहेगा, और जब भी हमारा जो COVID-19 का जो सिचुएशन है उसके लिए बंद है, जब भी हमारा जो कैश ऑन डिलीवरी ओपन होगा तो वो गुवाहाटी से आपके पास आ जाएगा, मतलब गुवाहाटी से फिर से उसके फैक्ट्री पर नहीं जाएगा फ्लिपकार्ट पर। तो हमने कहा कि ठीक है मैडम जी, तो आप जितना जल्दी हो सके तो आप भेज देना। तो उसने कहा ठीक है। तो मेरा भी मतलब ये सुन के बहुत हर्ट हुआ मैं कि पेज क्रिएट चैनल क्रिएट किया और 2-3 के अंदर हम ब्लॉगिंग करेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, चैनल पर जाएंगे, आप सब लोग हमारा जो सब्सक्राइबर फैन है सब लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे घर पर बैठ के। तो ये सुनने के बाद मैं तो बहुत हार्ड हुआ। मेरा जो साथी है उसके पास फिर से कॉल किया, कॉल करके बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने तो रो पड़ा, पूरा रो पड़ा। तो मैंने कहा कि रोना मत, मैं तो उसके साथ बात किया। तो उसने कहा कि जल्द से जल्द दे देगा हमारा जो एक्शन कैमरा है वो गुवाहाटी पर है। तो हमने ये सब कुछ बातचीत की दोनों के बीच। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम ब्लॉगिंग करेंगे, ज़रूर करेंगे ब्लॉगिंग। हमारा जो मोबाइल है उस मोबाइल से हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे और आप सबको एंजॉय दिलाएंगे। तो और एक बात है, हम लोग जो ब्लॉगिंग करेंगे, हम रहते हैं त्रिपुरा, मतलब नॉर्थ त्रिपुरा में, पानी सागर में, और हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे पहले हमारा त्रिपुरा से, उसके बाद हम जाएंगे त्रिपुरा के बाहर। तो पहले 5-4 महीना हमारा त्रिपुरा पूरा त्रिपुरा घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे त्रिपुरा के बाहर, ठीक है? तो आई होप आप लोग हमारा वीडियो देख के हैप्पी होंगे, खुश होंगे। कल या परसों से चैनल पर वीडियो डालना शुरू हो जाएगा। एक वीडियो डाला था तो वहाँ पर मेरा जो फैन है मैं देख के खुश हो गया। 30 मिनट के अंदर व्यूज आया 500 30 मिनट के अंदर, ये वो बंद हो गया।
तो हमने सपोर्टर से बात किया, बात करके कहा कि ठीक है भाई सर जी, हम वो ठीक कर देंगे, आप हमारा वीडियो डिलीट मत करना। तो उसने कहा नहीं भैया, आप तो जो वीडियो डाला वो, तो उसका जो कमेंट बॉक्स है वो बंद करके आपने अपलोड किया, तो ये तो अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, आप डिलीट करना है तो कर दो। उसके बाद जब हम ब्लॉगिंग करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं, दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम लोग पूरा सेटिंग करके दे देंगे, तो उन लोग सेटिंग करके देगा। आप लोग हम मेरा चैनल पर घुस के देखना, सिर्फ एक स्टोरी है और कुछ नहीं, एक वीडियो डाला था मैंने वो भी नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी था। तो मेरा कहने का ये मतलब है आप सभी से, मैं हाथ जोर के कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा वेट करें, थोड़ा वेट करें, मेरे लिए थोड़ा वेट करना, और कुछ दिन के बाद हम लोग चैनल पर वीडियो डालना शुरू कर देंगे। आज भी मैं बहुत हार्ड हूँ क्योंकि आज हमारा प्लान था सब कुछ, मतलब आज हम लोग ब्लॉगिंग पर जाएंगे, तो मैंने बताया कि अचानक एक मैसेज आता है कि तुम्हारा पार्सल अब नहीं आएगा, तो ये सुन के बहुत हार्ड हुआ और मैं भी रोया और मेरा जो साथी है उसको भी रोना आया। मतलब सभी लोग सेफ रहना, हम जितना चाहेंगे हम कोशिश करेंगे आप सबको पूरा इंडिया दिखाने के लिए, ठीक है, पूरा इंडिया हम लोग घूम के दिखाएंगे आपको, ये वादा है आपसे, ये आप सभी से वादा है, पूरा इंडिया हम घुमा के आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 3-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं ज्यादा बड़ा अभी कुछ ब्लॉग नहीं करूंगा, छोटा मोटा ब्लॉग करूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा ब्लॉग करने वाले तो अभी तो यहाँ पर नहीं होगा, कुछ जाना पड़ेगा त्रिपुरा से बाहर, और त्रिपुरा में भी है जम्पू है, कोयलाशहर है, अगरतला है, तो वहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा। वो 5-6 महीने के अंदर अंदर मैं पूरा त्रिपुरा आप सभी को दिखाऊंगा, और उसके बाद हम त्रिपुरा से बाहर जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबका धन्यवाद।